आज राजस्थान में छात्र संघ चुनावों के जीत में कई छात्र जश्न मना रहे हैं। वहीं लगातार पंचायती राज एनडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए हमारा संघर्ष जारी था। दो दिन पहले लाइव में मैंने बताया था जल्द कैबिनेट होगी और जल्द ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और आज कैबिनेट में 4000 पदों का नियुक्ति प्रक्रिया के कैलेंडर को आज अनुमोदन हो चुका है और अगले आने वाले वीक में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो जाएंगे। दोस्तों, ये 2013 की भर्ती थी और इसकी ये वेटिंग सूची जारी हो रही है, यानी कि इसमें आवेदन पहले हो चुके थे, अब नीचे से इसकी सूची जारी की जाएगी। जो 2013 में आवेदन किए थे, कई अभ्यर्थियों को 9 साल बाद न्याय मिलेगा। इस भर्ती के लिए लखनऊ समझौता, मंत्रियों के समझौता, लाठियाखाना, अनशन करना और गुजरात कूच में भी अहम मांग थी। लगातार संघर्ष के बाद ये जीत हो रही है, यानी कि एक तरफ युवा चुनाव में जीत रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उनको सबको शुभकामनाएं, और हम लोग लगातार संघर्ष करके और इस संघर्ष के ऐतिहासिक जीत में हम उन 4000 परिवारों को न्याय दिला रहे हैं, उनके परिवारों को खुशियां दिला रहे हैं। यानी कि आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है और 4000 परिवारों को खुशियां मिलने वाली है। साथियों, मीडिया में 5000 चल रहा था क्योंकि उनको 4192 पदों को पता था, तो लगभग उन्होंने 5000 बोल दिया था, लेकिन 5000 पद नहीं, केवल 4000 पद है। 10029 पद खाली थे, 6029 पदों के लिए हम दूसरे चरण के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन फिलहाल 4000 पदों पर यह रास्ता खुल रहा है। आज अनुमोदन हो चुका है और आने वाले वीक में नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा और जो बचे पद है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, हमारा संघर्ष कामयाब हुआ और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये मेरी इज्जत है, मैं इसके लिए जी जान से लड़ूंगा, आपको परिणाम दूंगा जो आपके सामने है। सभी को शुभकामनाएं, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, कभी संघर्ष हारता नहीं, हमेशा संघर्ष की जीत होती है। धन्यवाद।